हाँ जी चैंपियंस, क्या हाल है भैया? अरे ऑल वेल ऑल गुड। हाँ जी, एक बार बताएं, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है? ग्रेट। हाँ, सभी ठीक हो तो बता दो यार एक बार फटाफट से, है ना। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, उसका लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं किन किन बातों पर। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर एंड गॉस लॉ पर। ये तीन टॉपिक अभी हमारे बाकी रह गए थे, जिन्हें अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। और उसके बाद आपका कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ें शुरू होंगी, जो कि सुभाष आज़ाद सर शुरू करने वाले हैं। मैं अब आप लोगों के फुल फ्लेजेड जो है मेधावी क्लासेस ले रहा होऊंगा, और आपका एक नया कोर्स जो हमने स्पेशल क्लास पर प्लान किया है, दैट इज कल्प वृक्ष, ठीक है, जो स्पेशली ड्रॉपर्स और रिपीटर्स की रिक्वेस्ट थी कि भैया हम लोगों के लिए क्या है, तो वो आप लोगों का 13th से, यानी कि परसों से शुरू होने वाला है, ठीक है। सो यस एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी टर्म वन की तैयारियां, बताइए। मेधावी की इस टीम का जो सहयोग है आप लोगों को, है ना जी, कैसा है वो? चलो ओके गाइस, तो शुरू करते कहानी, लेकिन उसके पहले अनअकैडमी नीट का टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन जरूर कर लेना है भाई। टेलीग्राम चैनल पर डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होते हैं, और एजुकेशनल चैनल है यार, यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की अपडेट मिल जाती है कि भैया कब स्पेशल क्लास होने वाली है, कहाँ पर नोट्स आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है, और भी जितने भी यहाँ पर ऑफर्स वगैरह होते हैं, सबकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो एक अनअकैडमी नीट का टेलीग्राम चैनल, और दूसरा फिजिक्स के नोट्स के लिए हेलो फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल, इन दोनों चीज़ों का आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा दो चीज़ें यहाँ पर हैं, आप जो है प्लस और आइकॉनिक पर, यहां पर आप दो चीजें प्लान कर सकते हैं बेटा, या तो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, बेहतर कंटेंट मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग इंजन आपके लिए ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जाते हो, तो वन ऑन वन मेंटोरशिप मिल जाता है, अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाते हैं, और लाइव डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम का आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर मैं बस इतना कहूंगा कि अगर 1% भी चांस है, तो आपको ले लेना चाहिए प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और नो डाउट आपको कोड यूज करना है बेटा, एमएस लाइव विद अ पार्ट ऑफ एमएस लाइव इन फैमिली, और इस कोड को यूज करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 10+10 20% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, और वो भी कब तक, 17 नवंबर तक। अभी स्पेशल प्राइस वीक ऑफर चल रहा है, सो इफ यू आर प्लानिंग देन गो फॉर दिस फटाफट से, ठीक है। चलो शुरू कर देते दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पर बात करते हैं, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है, लास्ट लेक्चर बचा हुआ है। और आज शाम को आप लोगों के एक स्पेशल क्लास भी है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मैं मेधावी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अभी लॉज ऑफ मोशन हमने कंप्लीट किया, तो लॉज ऑफ मोशन का प्रैक्टिस सेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अरे आ तो रही है यार आवाज, है ना। चलिए नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है बेटा टू, पोल मतलब, पोल स्टैंड्स फॉर पोलैरिटी, पोल स्टैंड्स फॉर किसके लिए बेटा, पोल स्टैंड्स फॉर पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब प्लस एंड माइनस, इस तरह की पोलैरिटी के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये दो चीजों पर चर्चा हो रही है, डायपोल, ठीक है, डाई मतलब टू, पोलैरिटी मतलब, पोल मतलब पोलैरिटी, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके पास माइनस और प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो, जितना माइनस उतना प्लस, और ये एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर सेपरेशन पर प्लेस्ड होने चाहिए, 2a इनके बीच का सेपरेशन है। तो ये जो सिस्टम यहां पर आपको बनता हुआ दिख रहा है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा, इस सिस्टम को हम कह रहे हैं, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, इस सिस्टम को हम कहेंगे डायपोल। ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, दिस सिस्टम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आप देख रहे हो, इसमें एक बहुत ही प्यारी क्वांटिटी है, जिसे आपको ध्यान से समझना है, और उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस भी बनते हैं, पूछे जाते हैं। डायपोल समझ में आ गया, एक क्वांटिटी बनती है बेटा, वो है पी, और इस पी को हम क्या कहते हैं, दिस पी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इस पी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाई
डाइपोल मोमेंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बेटा चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, यानी कि दोनों में से कोई भी, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल चार्जेस है ना भाई, ये भी प्लस ये भी चार्ज क्यों है, ये भी चार्ज क्यों है, तो दोनों में से कोई भी चार्ज कंसीडर करो फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या होगा बेटा, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। सो पी की अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए। ये जो P आप देख रहे हैं जिसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है दोस्तों? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, लेकिन डायरेक्शन का क्या? तो ये जो आप देख रहे हैं क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में जो डायरेक्शन होती है बेटा, यानी कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैग्नीट्यूड तो खैर क्लियर है, क्यू मल्टीप्लाई बाय यहां पर 2a लिख दो, या फिर क्यू मल्टीप्लाई बाय आप यहां पर 2l लिख दो, या फिर आप क्यू मल्टीप्लाई बाय इसको l लिख दो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बुक्स में अलग अलग यहां पर रिप्रेजेंटेशन आपको मिल सकता है। कई सारी बुक्स में सेपरेशन 2a लेते हैं, कई सारी बुक्स में सेपरेशन 2l लेते हैं, और कई सारी बुक्स में सेपरेशन l लिया जाता है। राइट एवरीवन, अब यहां पर डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये ऑलवेज क्या लिखने वाला हूं देखो जरा, यहां पर ऑलवेज, ऑलवेज कैसा होता है बेटा, ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स कहां पर बेटा, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा। गांठ बांध लो इतनी बात को कि यस कम से कम इतनी बात समझ में आती है, एकदम पक्का है। जैसे कुछ चीजों को यहां पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास चार्ज क्यू है, ठीक है, अगर आपके पास यहां पर माइनस चार्ज क्यू है और यहां पर अगर आपके पास प्लस चार्ज क्यू है, और इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं अगर आर है, आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन क्यू आर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है एवरीबॉडी। लेकिन अगर ये सीन हो जाए, सुनना ध्यान से, कि यहां पर चार्ज आपका 2q है, यहां पर चार्ज आपका माइनस q है, यहां पर चार्ज आपका माइनस q है, और ये सिस्टम क्या कर रहा है बेटा, दिस सिस्टम फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप यहां पर देखेंगे सो दिस सिस्टम इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पर देखो, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ये ठीक ठीक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह चीजें दिखाई दे, है ना। ये देखो, कोशिश अगर करेंगे ऑलमोस्ट आपको ऐसा दिखेगा, है ना। ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है। तो ये आपका ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब यहां पर क्या रखा है सर, प्लस टू क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू। बताइए इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा अगर सवाल ऐसा आ जाए। और इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था संजीवनी में, फिर उसके अलावा आप अगर देख सकते 2.0 में, उसके अलावा आप देख सकते 1.0 में, तो हर जगह इस तरह की चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। और यहां इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सर यहां पर माइनस क्यू है और यहां पर जो प्लस क्यू प्लस टू क्यू है ना, इसको ब्रेक कर लो, एक प्लस क्यू और एक दूसरा यहां पर प्लस क्यू, दो प्लस क्यू में ब्रेक कर लिया, यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू। इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू का एक पेयर बनेगा, तो इस माइनस से इस प्लस की तरफ, इस माइनस से इस प्लस की तरफ आपको एक एरो मिलेगा, और इसको आप बोलेंगे सर पी वन इज इक्वल टू क्यू इंटू में ए, और एक एरो आपको मिलेगा यहां पर इस तरफ विच इज ऑल्सो पी टू, और वो हो जाएगा बेटा क्यू इंटू में ए। समझना, अब ये जो दो एरोज हैं इनको अगर फिर से आप देखोगे तो इन एरोज के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ए, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू ए।
तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करके समझ लेते हैं, अगर हम यहां पर बनाएंगे तो ये वाला मैग्नीट्यूड आपका क्यू ए, ये वाला मैग्नीट्यूड भी आप लोगों के लिए क्यू ए बन रहा है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो यहां पर आप देख रहे, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ ये होगा आपके पास रूट थ्री क्यू ए, क्योंकि 60 डिग्री है ना। वेन एवर यू हैव टू वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट जो है वो इस तरह से आपको मिलने वाला है। ठीक एवरीबॉडी, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? यहां तक सभी बच्चे एग्री करते हैं और बढ़िया तरीके से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अलावा उसके अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें कैलकुलेट करनी होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी कल की क्लास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है बिकॉज ऑफ अ डायपोल। ये अगर आप टर्म वन की बात करें तो बेटा टर्म वन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो सकता है, ठीक है? आप लोगों की जरूरत का सबसे बेहतरीन सवाल होगा ये, ठीक है एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। चलो तो अब बच्चों यहां पर देखो जरा, ये रहा आपके पास माइनस चार्ज और ये रहा, यहां पर एक लाइन बना लेते हैं अपन, ठीक है? एक लाइन बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, और यहां से इस लाइन पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है? यहां पर आपने बना लिया एक प्लस चार्ज, ठीक है? माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और ये रहा इसका सेंटर, ठीक है? अब यहां पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? तो मैं उसको थोड़ा सा ब्लैक कलर से बना देता हूं, देखो जरा, ये रहा हमने बना दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। बहुत जोरदार डायग्राम देखना, खूबसूरती देखना आप। तो ये भी आपके पास क्यू है और ये भी आपके पास क्यू है। अब इस डायपोल की वजह से ये सेपरेशन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम 2a कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि यहां से लगाकर यहां तक का वैल्यू a होगा और यहां से यहां तक का वैल्यू भी आप लोगों के लिए क्या होगा बेटा, a ही होगा। दोनों सेपरेशन आपने कंसिडर कर लिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको पता चल गया कि सर ये a है, ये a है, और ये टोटल 2a हो गया। इस डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r बेटा, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये क्या है? ये जो रेड वाला डॉट आप देख रहे हैं, दिस रेड डॉट इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, और इस डायपोल के सेंटर से एक पॉइंट p है जिसको हम पॉइंट a कहेंगे, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है। क्या कहेंगे बेटा हम इसको? एक्सियल पॉइंट कहेंगे। इस एक्सियल पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो वो हो जाता है ई ए, और उसकी वैल्यू होती है ट्वाइस टाइम्स ऑफ के पी डिवाइडेड बाई आप लिखेंगे आर क्यूब। यहां पर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट डायपोल की, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डायपोल? शॉर्ट डायपोल का मतलब होता है ए इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर वैल्यू, ए का वैल्यू बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू आर। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका आर, तो आर के कंपैरिजन में ए बहुत छोटा होगा। इस तरह के डायपोल को हम शॉर्ट डायपोल कहते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे वो 2kp बाय आर क्यूब होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो ए है ये होगा अलोंग पी वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट राइट साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट भी राइट साइड होगा। एवरीवन समझ में आ रही बात? दूसरा यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको भी समझ लेते हैं बेटा। यहां पर एक और पॉइंट आपको दिखाई देगा, एक और पॉइंट आपको दिखाई देगा, रंग थोड़ा सा बदल लेते हैं, ठीक है? बदले हुए रंग से बात कर लेते बेटा। तो यहां पर अगर आप देखोगे देखो, मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को हम क्या कहेंगे? सो दिस डॉटेड लाइन इज टर्म्ड एज, इसको हम बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहा जाता है सर इसको? इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। और ये जो इक्वेटोरियल लाइन आप देख रहे हैं, इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, चाहे यहां बात करो, यहां 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 यहां, किसी भी पॉइंट पर, विच इज सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सेंटर, सेंटर से ये भी आर डिस्टेंस पर है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो
ई पॉइंट पर है, इसलिए उसको ई ऑफ ई कहा जाता है और इसका वैल्यू होता है के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन है ना ऑफ P, that means, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E की बात करेंगे तो वो होगी आपकी एंटी पैरेलल टू P वेक्टर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू P वेक्टर। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट राइट साइड है तो आपका फील्ड जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेफ्ट साइड होगा। क्या यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही है? एवरीवन, इज दैट क्लियर? अब एक और चीज यहां पर होती है, एक और अनोखी बात है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? उसको जरा देखिए क्या होता है। यहां से लगाकर किसी पॉइंट पर, ठीक है, एट एनी पॉइंट विच इज डायरेक्टेड एट सम एंगल थीटा। देखो एक लाइन है जो कि डायपोल के एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, डायपोल के एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और यहां पर अगर आपने कोई पॉइंट लिया तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो वैल्यू बताती है बेटा। एक इस तरफ वैल्यू आती है, ठीक है, एक इस तरफ वैल्यू आती है, और इसका वैल्यू होता है 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और यहां पर इस तरफ होती है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और इसका वैल्यू हो जाता है सर kp sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पर होता है दोस्तों, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पर होता है। और जब आप इस रिजल्टेंट की बात कर रहे होते हैं, ये रहा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट जो है यहां से अल्फा एंगल पर होता है बेटा। कितने पर? अल्फा एंगल पर। और ये वाला एंगल कितना है आपका? थीटा एंगल है। ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा एंगल हो गया। सो ये जो अल्फा एंगल है, यहां पर जो नेट वैल्यू है इसको हम ई कहते हैं, और इस ई का वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, दैट वुड बी केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 cos² θ + 1। अब आप सभी बोल रहे होंगे कि सर क्या हमें यह सब याद रखना है? जी हां बिल्कुल। क्या है ये? अरे हम क्या कर रहे हैं? हम एक क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव किस हिसाब से, टर्म वन के हिसाब से। तो टर्म वन की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो और उनका एप्लीकेशन आपको पता हो। अगर हम डेरिवेशन की बात करेंगे तो बेटा हमें फिर से वही 7-8 लेक्चर्स लगेंगे एक कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करने में, फिर हमें 7-8 लेक्चर्स लगेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, 3-4 लेक्चर्स लगेंगे कैपेसिटर में, तो फिर तो हमारा पूरा टाइम ऐसे ही चला जाएगा और 10 दिसंबर आ जाएगा जिस दिन हमारी फिजिक्स की एग्जाम होनी है। तो हम एक स्मार्ट वर्क करें और हम शॉर्ट नोट्स के जरिए सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए उनके इंप्लीमेंटेशन को बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, राइट एवरीबॉडी? सो ये चीजें अगर आप सीख रहे हैं तो आपको यहां पर सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब आ जाइए जरा आप मेरे साथ और यहां पर चीजों को समझिए क्या होने वाला है, ठीक है? तो बेटा सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर ये अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, देखो ये हो गया अल्फा के लिए बेस और ये हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर। तो क्या आप यहां पर टेन अल्फा ऐसे लिख सकते हैं? सर दिस टेन अल्फा कैन बी, आप लिखेंगे ये हो जाएगा यहां पर 1/2, ऐसे ही आ रहा है मेरे ख्याल से 1/2 टेन थीटा के आसपास, 1/2 टेन थीटा के आसपास। तो अगर मुझे टोटल एंगल बनाना हो बेटा, अगर मुझे ये वाला टोटल एंगल मेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्स एक्सिस जिसको मैं बीटा कहूं, तो बीटा यहां पर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं सर थीटा प्लस टेन इनवर्स, यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? एवरीवन एक बार दिल विल बना दो जरा जल्दी से, हाँ जितने भी क्लास 12th के टर्म वन के विद्यार्थी हैं एक बार फटाफट से बता दो कि यस भैया यहां तक सारी चीजें हमें क्लियर है, बकायदा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, राइट? चलो सवाल करते हैं। देखो पहला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ अ डायपोल इज आर, सेपरेशन बिटवीन द डायपोल इज आर।
ऑन द एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि बात कर रहा है ईए की, और अभी तुमने क्या लिखा था 2kp डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाता है सर आपका आर क्यूब होता है। अच्छा P क्या होता है, P होता है बेटा चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यहां पर 2a का वैल्यू r दिया हुआ है, यहां पर 2a का वैल्यू r दिया हुआ है और r को यहां पर इन्होंने d कह दिया, तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे तो ये हो जाएगा 2k और यहां पर हो जाएगा सर q मल्टीप्लाई बाय r और नीचे हो जाएगा बेटा d क्यूब, ये कांस्टेंट है सब कुछ, तो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू qr डिवाइडेड बाय d क्यूब, यानी कि ऑप्शन d टिक करेंगे। बन गया सब लोगों का, ऑप्शन डी टिक करेंगे, बेहतरीन है भाई। टू और क्यू दोनों कांस्टेंट है, अगर क्यू का वैल्यू बदलोगे तो फील्ड इंटेंसिटी बदलेगा, आर का वैल्यू बदलोगे तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बदलेगा, डी का वैल्यू बदलोगे तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या करेगा बेटा बदलेगा, डायरेक्ट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर, अगला सवाल यहां पर देखते हैं सर। इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है, रिश्ता बड़ा सिंपल होता है सर, दो गुने का। अभी तो हमने पढ़ा था सर ईए और ई ऑफ ई, हमने दोनों पढ़ा सर, इसका वैल्यू 2kp बाय आर क्यूब होता है, इसका वैल्यू kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यह रिश्ता सही होगा, ऑप्शन बी डायरेक्ट टिक करेंगे। ऐसे सवाल अब आपको टर्म वन में मिलने वाले हैं, आपके टर्म वन में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। यह सवाल अभी हाल हम लोगों ने किया, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, अ पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस ओरिजिन सच दैट ओपी मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 बेटा, यानी कि यहां पर ये डायपोल की लाइन है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, ये डायपोल का सेंटर है, ओ पॉइंट है, यहां पर कहीं आपका पॉइंट पी है, ये आपको कहा गया, और ये वाला एंगल जो है दिस इज पाई बाय 3, यानी कि थीटा पाई बाय 3 है। अब क्या बोला सुनिएगा, अब ये बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मेक्स एन एंगल ए विद द एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ ए वुड बी, अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए का मतलब एंगल तो ये होगा, और ये वाला एंगल अगर ए है इसमें दो चीजें होती हैं थीटा प्लस अल्फा, इसमें थीटा तो थीटा ही होता है प्लस अल्फा कितना हो जाता है बेटा टेन इनवर्स 1/2 और ये हो जाता है सर आपका टेन थीटा। अच्छा थीटा आपको पाई बाय 3 दिया हुआ है यानी कि 60 डिग्री है, तो दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस हो जाएगा सर 10 इनवर्स और ये हो जाएगा सर आपका √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ऑप्शन बी जो है वो परफेक्ट मैच कर गया। आप देख रहे हो जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पर बेस्ड जो है सारे क्वेश्चंस चलते चले जा रहे हैं। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद में इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए, आपका सवाल जो है सही हो जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी है बेटा। राइट, ठीक है, डन, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है एवरीवन? कोई समस्या या कोई परेशानी आप लोगों को अगर लग रही हो तो बता दीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ मोमेंट पी एंड यहां पर क्या हो गया बेटा एंड 64p आर प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट द पॉइंट बिटवीन द डायपोल्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल मोमेंट पी इज। देखो यहां पर एक शॉर्ट डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है पी, और यहां पर एक शॉर्ट डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है बेटा 64p। ठीक है, और इन दोनों डायपोल्स के बीच की जो दूरी है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, देखो जरा यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है कि ये 25 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि ये जो छोटा डायपोल है ना, ये वाला, इस छोटे डायपोल से x इक्वल्स टू कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये वाला वैल्यू कितना होगा बेटा, ये वाला तुम्हारा 25 माइनस x हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 25 माइनस x हो जाएगा। अब तुम्हें चीजों को समझना है और समझते हुए आंसर करना है। ठीक, इस छोटे से डायपोल की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा केपी डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, 2kp डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। छोटे डायपोल की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल की डायरेक्शन में होता है,
अगर ये P डायपोल मोमेंट है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2kp/x³ राइट साइड हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ और एक और बात है बेटा, ये जो 64p है इसकी वजह से यहां पर जो डायपोल मोमेंट होगा और इसकी वजह से जो फील्ड होगा तो वो हो जाएगी सर यहां पर, और वो कितनी होगी सर 2kp की जगह क्या लिखोगे बेटा 64p और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर 25 - x³। बहुत जोरदार, देखो 2k से 2k गया, p से p गया, तुम्हें समझ आ रहा है कि सर 25 - x / x का अगर आप होल क्यूब कर दोगे, ठीक है, तो यहां पर ये आ रहा है इक्वल टू 64। और अगर ऐसा है तो सर यहां पर समझ में आया कि 25 - x / x इज इक्वल टू, अगर क्यूबिक रूट हटाओगे तो 4 आ जाएगा बेटा बाहर, 4 × 16 = 64, 4 अगर बाहर आ रहा है तो ये हो जाएगा सर 25 - x इज इक्वल टू 4x, तो बेटा ये आ गया 25 = 5x, तो x इज इक्वल टू आ गया 5 cm, कहां पर आ गया सर 5 cm, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। सब लोगों को चमका कि नहीं चमका बताइए जरा, एक बच्चा, एक बालक, अगर यहां तक बातें क्लियर हैं तो। कभी भी जब आपने कॉन्सेप्ट्स एक बार ठीक से सीख लिए और अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप बेहतर तरीके से करते चले जा रहे हैं, फॉर श्योर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% आपका जो है आंसर सही ही आने वाला है, कोई गुंजाइश नहीं कि फिर आप यहां पर गड़बड़ियां कर जाएं। ठीक, क्लियर है, चमका सभी लोगों को, बहुत जोरदार, आगे बढ़ते हैं। नाउ डायपोल, क्या बोला बेटा डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रहा है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत एक प्यारा सा टॉपिक है जिसको आपको समझना है सभी लोगों को। अगर यहां पर आप देख रहे हैं सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस शुड रिमेन सेम, अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो ये इस तरह की जो है आपको लाइनें मिलने वाली हैं, देखो जरा आप यहां पर, ठीक है, एक काम करते हैं ना, चलो वैसे एरोज बना देते हैं, अपने पास सुविधाएं सारी हैं अच्छा डायग्राम बनाने की, ठीक है, सुविधाएं सारी हैं अच्छा डायग्राम बनाने की, तो अच्छा डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ठीक, राइट, एरोज जो हैं थोड़े से नीचे जा रहे हैं, अब इनको जो है थोड़ा सा कुछ नहीं किया जा सकता, चलो ठीक है समझेंगे, है ना। इधर देखो, अब यहां पर आपने रखा डायपोल, यहां पर आपने क्या रखा बेटा डायपोल रखा, ये माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है, सुनना, दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज प्लस चार्ज, माइनस से प्लस की तरफ यहां पर क्या होगा एक पी आपकी वैल्यू होगी जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहेंगे, विच इज इनिशियली अगर आप यहां पर देख रहे हो तो एंगल थीटा हमें बनता नजर आ रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप यहां पर बोलोगे डायपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में जो एंगल है वो थीटा यहां पर है। कुछ कुछ चीजें बेटा, अब आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स बनेगा क्यूई, वो राइट साइड होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, और माइनस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्यूई होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एनसीईआरटी में सब कुछ मेंशन है, ये है ना, एनसीईआरटी में ये सब कुछ मेंशन है बेटा, प्लस चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना फोर्स राइट साइड उतना फोर्स लेफ्ट साइड, प्रोवाइडेड दैट फील्ड यहां पर आपका यूनिफॉर्म है तो आप लिखेंगे सर समेशन ऑफ एफ यहां पर क्या हो जाएगा जीरो, और अगर एफ यहां पर जीरो है तो आप बोलोगे सर नो ट्रांसलेशन, क्या हो जाएगा बेटा नो ट्रांसलेशन, यानी कि ये डायपोल अपनी जगह से आगे पीछे होने वाला नहीं, लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक सेपरेशन आपको समझ में आ रहा होगा जो कि 2a sin थीटा के बराबर है। अगर ये थीटा है और ये वाला सेपरेशन अगर आप देख रहे हैं बिटवीन द चार्जेस, अगर ये 2a है तो यहां पर ये वैल्यू 2a sin थीटा होगी,
और अगर ये 2s sin थीटा है तो यहां पर आपको एक टॉर्क मिलता है बेटा, और वो टॉर्क क्या हो जाएगा सर, वो टॉर्क हो जाएगा QE into मैं आप यहां पर लिखेंगे सर 2a sin थीटा, जिसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है सर PE sin थीटा, और जिसको जब आप फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। ये सारी बातें आपके सामने चल रही हैं, समझते चलिए और चीजों को जो है इत्मीनान से बनाते चलिए, ठीक है। ये टॉर्क का वैल्यू आया, टॉर्क का वैल्यू क्या है बेटा, टॉर्क का वैल्यू आया tau इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका PE sin थीटा, कितना आ रहा है सर PE sin थीटा, ये टॉर्क का वैल्यू आ चुका है tau इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब अगर आपका थीटा यहां पर जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में टॉर्क तुम्हारा जीरो होगा, यानी कि जब डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन हो गया तो टॉर्क तुम्हारा जीरो हो गया, और टॉर्क तुम्हारा यहां पर 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री पर पीई होगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक क्लियर है, इतनी बातें समझ में आती जा रही है, इतनी बातें समझ में आती जा रही है दोस्तों, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को भी अगर हो तो बता दीजिए, चैट सेक्शन पर मेरी नजर है, मैं देखता रहूंगा, चीजें डिस्कस हम करते रहेंगे। अच्छा अब अगर आप यहां पर इसी डायपोल को पकड़कर रोटेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसी डायपोल को आप पकड़कर क्या करते हैं रोटेट करते हैं, तो यहां पर वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, डायपोल को रोटेट करने में ये क्या गड़बड़ हो रही है आज, इसको वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, ठीक है, बाय या फ्रॉम, ऐसा लिखते हैं, चलो एक काम करते हैं, बाय नहीं फ्रॉम कहां से कहां तक, तो आप लिखेंगे सर फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा वन टू फाइनल एंगल थीटा टू। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी सिंपलेस्ट वैल्यूज यहां पर बन रही होती हैं, और आप इसको ऐसा लिख रहे होते हैं बेटा कि ये जो वर्क डन है ये बनेगा आपका PE, और यहां पर आ जाता है सर cos थीटा 1 माइनस यहां पर आ जाता है सर आपका cos थीटा 2, जहां पर थीटा 2 फाइनल है, थीटा 1 आपका इनिशियल है। अगर एग्जांपल के तौर पर या ऐसे केस बना लेते बेटा, केस बनाकर इफ करके देखना ध्यान से, इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये रेफरेंस है, ये क्या है बेटा, रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क तुम्हारा मैक्सिमम होगा, और जब तुम्हारा टॉर्क मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी जीरो होगी, ये रेफरेंस हमने कंसिडर किया, लेते ना रेफरेंस वगैरह हम, जैसे पॉइंट चार्ज के केस में इंफिनिटी इज द रेफरेंस फॉर द जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट है जहां पर थीटा 1 90 डिग्री होगा। सो थीटा 1 अगर 90 है और थीटा 2 अगर आपका यहां पर थीटा होता है, सो वर्क डन जो कि स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस यहां पर आपका पीई कॉस थीटा, क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, माइनस आपका पीई कॉस थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है एवरीवन? अब मैं समझाता हूं इसका प्रैक्टिकल मीनिंग, इधर देखो जरा, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सभी लोग ध्यान से सुनना ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आपका डायपोल इस तरह से अरेंज्ड है तो ये जो पोजिशन है ये यहां पर यू जीरो है, ठीक है। अब आपने इस डायपोल को रोटेट करके आपने ऐसा कर दिया, थीटा आप मेजर यहां से करेंगे तो ये थीटा कैसा होगा बेटा, एक्यूट होगा, तो इस रीजन में जब आप आओगे तो यहां पर आपको यू जो है लेस देन जीरो मिलेगा, यानी कि आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी, समझना। और अगर यही डायपोल रोटेट होकर इधर हो गया, ठीक है, इस तरफ हो गया ग्रीन वाले जोन में, तो ये एंगल यहां से मेजर करोगे ऑब्ट्यूस थीटा होगा, और उस कंडीशन में जब आप इस रीजन में आ जाओगे तो यहां पर तुम्हारा यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहां पर यू तुम्हारा पॉजिटिव होगा। इस रीजन में अभी और सुन लो, इस रीजन में क्या होगा बेटा, इस रीजन में स्टेबल होगा, इस रीजन में कैसा होगा, स्टेबल होगा, और इस रीजन में क्या होगा, अनस्टेबल, जहां एनर्जी ज्यादा वहां पर आपका डायपोल स्टेबिलिटी खो देता है, राइट एवरीवन?
ये जीरो रेफरेंस समझ में आ गया। अगर डायपोल ऐसे रोटेट किया एनर्जी नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा एक्यूट है, वहां पर स्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी कम है। अगर आपने ऐसे रोटेट किया तो थीटा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, थीटा ऑब्ट्यूज हुआ यानी कि एनर्जी पॉजिटिव होगी, एनर्जी पॉजिटिव यानी कि ज्यादा, ज्यादा मतलब अनस्टेबल, सीधी सी बात है। तो ये कुल मिलाकर कुछ चीजें हैं जिसे आप ध्यान रखना। और अगर ये डायपोल क्या करता है बेटा, ऐसे ऐसे अगर ऑसिलेट कर रहा होता है तो इसका टाइम पीरियड भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम आने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू एवरी वन और नॉट, बताइए जरा। यहां तक सभी बच्चे बताइए कि हर एक बात क्लियर है क्या आप लोगों को? है जी, ठीक। तो थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आपका जीरो है तो आप बोलेंगे सर स्टेबल है, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो पर है तो स्टेबल है, थीटा इज इक्वल्स टू अगर 180 पर है तो आप बोलेंगे हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। ये यहां पर आपका हाईली स्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल की दो अलग अलग सिचुएशन है, वो भी मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी। सवाल पे सवाल करते हैं, चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ेंगे बेटा। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ एंड देन व्हील डन विद द चैप्टर, ठीक है। फिर हमारा जो है सारा काम कंप्लीट हो जाएगा रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इसमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग हम चीजें कर रहे हैं, तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखिएगा कि क्या क्या बातें यहां पर है, किन किन चीजों का विशेष आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक बेटा। तो पहुंचते हैं हम यहां पर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस यहां पर आपको दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का 2 × 10⁻⁶। अब यहां पर 10⁻⁶ मेंशन नहीं है, थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। तो 2 × 10⁻³ ले लेते, चलो Each separated by a distance of 3 cm. कितने सेंटीमीटर सेपरेटेड है? 3 cm. Is placed in an electric field of 2 × 10⁻⁴. इसको भी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें कंसिडर करना पड़ेगा। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल विल बी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं वहां पर पावर बना दूंगा, ठीक है। पावर मेंशन नहीं है। मैक्सिमम टॉर्क की अगर आप बात करते हो तो सर वो होता है पीई, और पी की अगर हम बात करते हैं सर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, और ये हो जाता है सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की अगर हम बात करेंगे सर 2 × 10 है, और यहां पर सेपरेशन जो है बेटा आपका सेपरेशन कितना है तो वो हो गया 3/100, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका 2 × में यहां पर भी 10 है। अब पावर अकॉर्डिंग टू द आंसर हम यहां पर बना लेते हैं, पावर अकॉर्डिंग टू द आंसर हम यहां पर बना लेते हैं। ये 10 × 10 = 100 को खत्म करेगा, तो 3 × 6 = 12, ठीक है। और 12 अब यहां पर क्या है, 10⁻⁴, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 100 नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो इसको अपन पावर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर अगर है तो हम क्या बोले इसको, 10⁻³ अगर 3 बोला मान लेते हैं, अगर हमने 10⁻⁴ इसको 3 बोला तो यहाँ पर 10⁻³ होगा, तो 10⁻⁵ हो गया, और 10⁻⁵ हो गया तो इसको हम 10⁻²² कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको 10⁻³ और इसको 10⁻⁴ यहां पर +2 कर देते, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये यहां पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 12 × 10⁻³। अब ठीक है यार, अब बना लेना पड़ा, क्या करें, है ना, अब बना लेना पड़ा, मतलब ठीक है बना लेते हैं, राइट। पावर्स मिसिंग थी तो पावर्स बना के हमने आंसर बना लिया। अब इसमें आंसर ए भी हो सकता था, इसमें आंसर जो है यहां पर बी भी हो सकता था, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द पावर वैल्यूज बनाई जा सकती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है इसलिए यहां पर हमने पावर पॉजिटिव रखा, चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए पावर को हमने यहां पर नेगेटिव रखा है, ठीक एवरीवन। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आएगा ना बेटा। अगर आप इसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर आप इसी डायपोल को किस में रखते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आपके पास आ जाए बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है सर, स्ट्रांग है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, वीक है। अब अगर आपने इसमें डायपोल रखा कुछ इस तरह से, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो बेटा जी इसके ऊपर मान लीजिए अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन है तो यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा,
ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग है यहां पर, सुनना ध्यान से, ठीक है, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग है और इस फोर्स को अगर मैंने F1 कहा, इस फोर्स को अगर मैंने F2 कहा, तो ऑब्वियस बात है जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां का फोर्स ज्यादा होगा और जहां पर फील्ड वीक है वहां का फोर्स कम होगा। मतलब इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि सर F1 इज बिगर देन F2 होगा, यानी कि यहां पर नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो होगा, और अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो ये डायपोल क्या करेगा बेटा, ये डायपोल यहां पर ट्रांसलेट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख देने से। If you are placing the dipole in a non-uniform electric field, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कहानी हो रही है। ठीक, क्लियर everybody? बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज करते हैं, देखो टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क यहां पर क्या हो जाएगा सर, टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क यहां पर हो सकता है नॉन जीरो भी हो और टॉर्क यहां पर हो सकता है बेटा जीरो भी हो, मे और मे नॉट बी, ये सिचुएशन में टॉर्क नॉन जीरो और हो सकता है जीरो। सर टॉर्क जीरो कब होगा, ऐसे मान लेते सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मान लेते, देखो जरा यहां आओ जरा जल्दी से, यहां आओ जरा जल्दी से मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज करो। देखो ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में यहां पर आपके पास एक चार्ज है और एक चार्ज मान लीजिए यहां पर है, सेम लाइन पर रखा हुआ है माइनस चार्ज, सेम लाइन पर रखा हुआ है प्लस चार्ज। बेटा प्लस चार्ज पर एक फोर्स होगा सर F2 जो कि लेस मैग्नीट्यूड का है और यहां पर F1 क्या है, मोर मैग्नीट्यूड का है, तो यहां पर भी F1 इज मोर देन F2, तो ट्रांसलेशन तो होगा, लेकिन अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो देयर इज नो टॉर्क बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, दोनों के दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा सर, जीरो। एवरीवन ये बात भी समझ में आ रही है? हां बताओ जरा जल्दी से, क्लियर हैं, है ना सर? अब F1 ही बड़ा हुआ, F2 छोटा हुआ, जरूरी है क्या ऐसा ही होगा? नहीं बच्चे, रटना नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन, अगर यहां पर फील्ड स्ट्रांग होती तो ये ज्यादा होता, यहां पर अगर फील्ड वीक होती तो ये कम हो जाता, यहां पर फील्ड स्ट्रांग है इसलिए ज्यादा हो गया, तो डिपेंडिंग अपॉन विच फील्ड इज स्ट्रांग एंड विच फील्ड इज वीक, उसके अनुसार यहां पर जो है डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मोटा मोटा सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ फोर्स एंड अ टॉर्क विल बी देयर, अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, अ टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, नाइदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, फोर्स और टॉर्क दोनों होगा, अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, तो यहां पर ए और बी में से दोनों ही सही हो सकते हैं, सुनना, ए और बी में से दोनों ही सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हो तो टॉर्क हो भी सकता है और टॉर्क नहीं भी हो सकता है, फोर्स तो होगा फॉर श्योर, फोर्स तो होगा ही होगा, यानी कि सी और डी तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। यह क्वेश्चन मे और मस्ट की तरह बनाना चाहिए था, मे बी अ फोर्स एंड मे बी अ टॉर्क, तो फिर हम उस ऑप्शन को कंप्लीट तरीके से फॉलो कर लेते बेटा और उसको फिर हम टिक करते, तो यहां पर ए और बी दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि टॉर्क हो भी सकता है टॉर्क नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आप लोगों ने उसे प्लेस किया है। राइट बेटा, यहां तक क्लियर आ गई? फोर्स तो फोर श्योर होगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो यहां पर अगर आपके पास कोई इस तरह का एक सरफेस है, ठीक है, यहां पर अगर आपके पास इस तरह का कोई एक सरफेस है और यहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस लाइक दिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, तो इफ फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस, अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्या हो रहा है सर, फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इस सरफेस को क्रॉस कर रही है। So, if you look at the figure, आपको यह समझ आएगा कि सर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रही है, तो हमें यह समझ आता है कि यहां पर एक नंबर बनेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वो होता है ई डॉट ए, और इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर मोर एरिया
और फील्ड यहां पर सेम कर दो, ठीक है, फील्ड वैल्यू सेम कर दो, देखो ये फील्ड की लाइन है, सेम कर दो, फील्ड की लाइन है सेम कर दो, फील्ड की लाइन है सेम कर दो। यहां पर मोर एरिया लेस एरिया का कॉन्सेप्ट समझो। अब अगर आप यहां पर देखोगे बेटा, अगर इसके पास फ्लक्स मान लेते हैं ∅1 है और इसके पास फ्लक्स अगर मान लेते हैं ∅2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A2 है। यह बात समझ में आ गई कि सर जो A2 है वो लेस देन A1 है, तो यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि सर ∅1 ज्यादा होगा ∅2 से। मोर इज द एरिया, मोर विल बी द फ्लक्स, लेस विल बी द एरिया, लेस विल बी द फ्लक्स। एक और चीज आप यहां पर समझ सकते हैं कि सर कीपिंग द एरिया कॉन्स्टेंट, अगर आप यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को चेंज करोगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे, तो उससे भी आपका फ्लक्स अफेक्ट होगा। इसी फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर दिस फाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये हो जाएगा बेटा आपका ई डॉट डी ए और यहां पर हो जाएगा सर कॉस ऑफ थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्लक्स से रिलेटेड, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है। तो ये सारी की सारी किसकी कहानी है बेटा, फ्लक्स की कहानी है। आ जाते जरा, फॉर अ गिवन सरफेस गॉस लॉ इज स्टेटेड एज, गॉस लॉ का मतलब ये देखो ई डॉट डी ए, ये क्या लिखा है बेटा, ये फ्लक्स लिखा है, ये क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड कर सकते हो, तो सीधी सीधी सी बात है कि यहां पर टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो, क्योंकि ये जो टर्म है ये कुछ और नहीं फ्लक्स ही तो है। हाँ बेटा, थोड़ा सा आपको फास्ट हो सकता है लगे ये, है ना, बाकी लेक्चर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि क्या होता है भाई, हम टर्म वन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पास एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रैक्टली हमारे पास 3 दिन हैं, 3 दिन में हमें खत्म करना पड़ेगा, 3 दिन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये रिविजन पर्पज से हैं। अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हैं तो फिर आपको जो है डिटेल्ड क्लासेस जाकर देखनी चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, चलो, 8 डाइपोल्स ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी, सुनिएगा क्या बोला, 8 डाइपोल्स, डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब हमने समझा कि सर जिसके पास जितना माइनस है उतना ही प्लस है, यानी कि इन टोटल अगर आप देखोगे तो जिसके पास नेट चार्ज की जब तुम बात करोगे तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ, जिसमें गॉस लॉ यह कहता है कि अगर आपके पास इस तरह का एक गॉसियन सरफेस है जिसके अदर अगर चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, तो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू जीरो है तो फॉर श्योर इस फाई का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। हम आंसर करेंगे नन ऑफ द अबव। एवरीवन, क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ? इसके जस्ट बाद आ रहा होगा गॉस लॉ, मैं बता देता हूं। तो गॉस कहते हैं कि अगर आपके पास को इस तरह का, ये क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस है, ये क्या है सर हमारे पास, दिस इज एन गॉसियन सरफेस, ठीक है, और ये जो गॉसियन सरफेस जिसे आप देख रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस के अंदर देयर इज सम चार्ज जिसको हम क्यू एनक्लोज्ड कहेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा जिसको हम बोलेंगे बेटा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और इसको आप फ्लक्स फाई कहेंगे, तो ये होता है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी में सुनना ध्यान से, इस टर्मिनोलॉजी में जो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है ई डॉट डी ए, अगर यहां पर अंदर बहुत सारे चार्जेस हों, एक एग्जांपल ऐसा समझिए जरा, ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा यहां पर कतरा एग्जांपल मान लेते हैं कि सर यहां पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, अंदर एक माइनस है, दो प्लस है, और Q4 है आपका बाहर। Q4 कहां पर है, गॉसियन सरफेस से बाहर। तो जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा E dot dA इज इक्वल टू फ्लक्स फाई, यहां पर तुम लिखोगे क्यू एनक्लोज, यहां पर तुम लिखोगे बेटा क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज की जब बात करोगे तो Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q1 आएगा प्लस Q2 आएगा, माइनस तुम्हारा Q3 होगा, नीचे तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जब तुम क्यू एनक्लोज लिख रहे हो तो इस Q4 का कंसीडरेशन नहीं होगा। बहुत लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। हां जी,
हाँ जी मुस्कान, शाम 6 बजे स्पेशल क्लास है बेटा, ठीक है, और अब हर दिन होगी शाम 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे नहीं, एग्जैक्ट हम उसको 5 बजे कर देंगे, क्योंकि 7 बजे आप लोगों का कल्प वृक्ष शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 5 बजे भी स्पेशल क्लास होगी, 7 बजे भी स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। यस एवरीबॉडी, हाँ, तो अब यहां आ जाओ। अगर आपने इतना देखा, अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम समझते हैं जरा। इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ये अगर कोई आपसे कहे कि ड्यू टू Q1 होगा, Q2 होगा एंड Q3 होगा, या फिर ये होगा ड्यू टू, ये होगा ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ऑल द चार्जेस, तो बेटा ये एक्चुअली क्या होता है, सभी चार्जेस की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से है, लेकिन जब आप फ्लक्स की बात करते हो तो उसमें आउटसाइड चार्जेस कंसीडर नहीं होते हैं। राइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी चीज समझो, व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग आउटसाइड चार्जेस, क्योंकि कोई भी अगर आपने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया और इसमें कोई भी चार्ज अगर आपने बाहर रखा, इस चार्ज से जितनी लाइनें इस सरफेस के अंदर एंटर करती है उतनी ही लाइनें इस सरफेस से बाहर निकल जाती है, जितनी लाइनें इस सरफेस के अंदर जा रही है उतनी ही लाइनें सरफेस से बाहर निकल रही है। तो आप बोलेंगे सर क्यू इन एंड, यहां पर ऐसा क्यू इन नहीं, फ्लक्स इन, फ्लक्स इन, जो फ्लक्स इन है बेटा वो तुम्हारा अगर -5 है तो फ्लक्स आउट जो है तुम्हारा, फ्लक्स आउट जो है वो तुम्हारा +5 हो गया, इसलिए phi net जो है वो 0 हो जाता है। दैट इज द रीजन कि अगर गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है तो उसकी वजह से हम जो है कोई भी फ्लक्स कंसिडर नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता है, इट हैज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4 सबका वैल्यू रहेगा, ठीक। चलो, गॉसियन सरफेस से रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर एक हाफ सिलेंडर है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्री। जैसा सिलेंडर यहां है वैसा सेम सिलेंडर जो है आप ऊपर की तरफ बना दो, अगर इससे फ्लक्स फाइव प्राइम है तो इससे भी फ्लक्स फाइव प्राइम होगा, बिकॉज सिमेट्रिक है, चार्ज से जैसा सरफेस ये नीचे है वैसा ही सरफेस ये ऊपर है, तो ये क्लोज्ड सरफेस हो गया। अब आप बोलेंगे सर टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस टोटल फ्लक्स को आप ट्वाइस टाइम्स ऑफ फाइव प्राइम बोलेंगे, यानी कि एक सिलेंडर से जो आपका फ्लक्स है वो क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और आप यहां पर सरफेस ऑफ द वेसल, यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस, ये 3 है बेटा यहां पर, ठीक है, तो नन ऑफ दिस हम आंसर करेंगे, क्योंकि 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है, 2 होना चाहिए था। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, चार चार्जेस है बेटा यहां पर, Q1, Q2, Q3, Q4, देखो अभी सवाल जो करवाया, Q1, Q2, Q3, Q4, देयर आर 4 चार्जेस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर 3 होगी या 4 होगी या किस तरह से लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर कि यहां पर जो फ्लक्स होगा उसमें Q1, Q2, Q3 आएगा केवल, तो फ्लक्स में तो केवल 3 चार्जेस, यहां पर 4 चार्जेस नहीं हो सकता, यहां पर नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट है ये नहीं हो सकता, यहां पर तो कुछ भी लिखा हुआ है इसको हटा दो, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि सिर्फ चारों चार्जेस की वजह से आई टेंड टू 1 to 4, चारों चार्जेस की वजह से यहां पर फील्ड होगा, और उस तरफ जब फ्लक्स लिखोगे तो केवल Q1, Q2 और Q3 की वजह से होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बेटा, सी, लॉजिकल सवाल है। अब यह भी पढ़ाया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए आप गॉस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कुछ चीजें जो बोर्ड में पूछी जा सकती है वो मैं आपको पहले लिखा देता हूं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है बेटा कि जो गॉस लॉ है ये एप्लीकेबल होता है, गॉस लॉ जो है वो क्या करेगा बेटा, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स ओनली, किसके लिए बेटा, एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स ओनली, किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, केवल और केवल सिमेट्रिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, और किसी भी तरह की चीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक।
अगर नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है तो आप गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन केस ऑफ कैलकुलेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है बेटा, अगर आपके पास क्या है एक इनफाइनाइट वायर है तो इस इनफाइनाइट वायर से आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस आप सेलेक्ट करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक कैलकुलेशन बता देता हूं मैं आप लोगों को। देखो आपने सिलिंड्रिकल सरफेस लिया जिसकी लेंथ एल थी, तो यहां पर आप लिखेंगे सर जो फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए, है ना। यहां पर दो चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, है ना, आपने इस तरह से लिखा। जब आप क्यू एनक्लोज्ड की बात करोगे तो वो हो जाएगा बेटा लैम्डा इनटू में लेंथ एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होगा बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होगा सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो बच्चों यहां पर आपको एक छोटी सी बात यह समझनी है, है ना, यहां पर एक छोटी सी बात यह समझनी है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां से बाहर आ रहा है, ये डीए, ये किसका एरिया होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। इस एरिया को क्या लिखोगे सर, 2 पाई आर, आर क्या हो जाएगी सर, ये वाली रेडियस, 2 पाई आर इंटू में एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल आपका कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा बेटा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, अगर इसको k की टर्म में लिखना है तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। यही रिजल्ट हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर यही वायर क्या हो जाता बेटा, फाइनाइट हो जाता। यही वायर क्या हो जाता सर, फाइनाइट हो जाता। और फिर अगर इसके किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी होती, ये अगर आपका फाइनाइट वायर हो जाता, फिर अगर किसी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करनी होती, तब ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है। ये नॉन सिमेट्रिक है बेटा, ये कैसा सिस्टम है, ये नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है। और अगर ये नॉन सिमेट्रिक सिस्टम है तो फिर इसके लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर अगर ये प्लस लैम्डा है तो दो वैल्यूज आपको मिलेंगी सर, एक ई परपेंडिकुलरली अवे और एक यहां पर मिलेगा बेटा ई पैरेलली अवे। तो जो E परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हो जाती है सर K लैम्डा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन R इनटू में होता है सर यहां पर साइन अल्फा और प्लस हो जाता है बेटा यहां पर आपका साइन बीटा। और जो आपका E पैरेलल है उसकी वैल्यू आती है सर K लैम्डा डिवाइडेड बाय R और यहां पर हो जाएगा सर आपका कॉस बीटा माइनस यहां पर हो जाएगा सर कॉस अल्फा। ये वैल्यूज गॉस लॉ की मदद से डिराइव नहीं की जा सकती। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सिमेट्रिक सिस्टम्स ओनली, नॉट एप्लीकेबल फॉर द असिमेट्रिक सिस्टम्स। ठीक है, इसी तरह से यहां पर अगर आपके पास किस तरह के सिस्टम्स हैं, अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडीज है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर अगर आपके पास है, कंडक्टिंग स्फीयर अगर आपके पास है, इसमें भी दो तरह के, एक शेल होता है और एक होता है सॉलिड बेटा। ठीक है, दोनों के ही लिए रिजल्ट सेम होते हैं। ठीक है, और एक होता है नॉन कंडक्टिंग, एक होता है सर नॉन कंडक्टिंग। तो इनके लिए मैं फील्ड बता देता हूं, बस केवल ध्यान रख लेना फॉर्मूला, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या फिर इसी को हम सॉलिड स्फीयर के नाम से भी जानते हैं, सॉलिड स्फीयर, इस नाम से भी आप लोगों को सवाल मिल जाएंगे। सो बेटा अगर ये कंडीशन है तो ये मान लीजिए आपकी शेल है और इसके ऊपर आपने कोई चार्ज मान लीजिए Q दिया और ये जो Q है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम, तो यहां पर आ जाएगा सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो और इंटू में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द शेल बेटा। ठीक है, तो तीन जगह फील्ड होती है इसमें, एक होती है सर इनसाइड पॉइंट पर, एक होती है सर सरफेस पॉइंट पर और एक होती है सर आउटसाइड। ये तीन चीजें यहां पर हैं, सुनिएगा, तीन चीजें हैं। तो अगर तुम यहां पर ई इन की बात करते हो तो वो जीरो होता है बिकॉज यहां पर क्यू एनक्लोज्ड जीरो है। अगर इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है तो यहां पर फील्ड आपका जीरो होता है। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। आप लोग कैपेसिटर में कंडक्टर्स को और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक, दूसरा अगर आप ई सरफेस पर बात करते हैं सर, तो ई सरफेस पर जो है वो के क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है सर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। और अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे वी सरफेस पर तो वो के क्यू डिवाइडेड बाय आर होगा। मैं आपको सारे फॉर्मूला बस लिख के बता रहा हूं बेटा, है ना। और अगर आप ई आउटसाइड की बात करोगे तो वो हो जाएगा सर के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कहां से बेटा, एक्चुअल जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। और अगर आप पोटेंशियल की बात करोगे वी आउट तो वो हो जाएगा सर आपका के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। खत्म।
ठीक है। लेकिन यही काम अगर किसका हो जाए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स का हो जाए, यानी कि जो आपका चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये भी अगर आपका 4/3 पाई आर क्यूब अगर हुआ, तो तीन चीजें यहां पर भी आपको मिलने वाली है सर। एक पॉइंट आपका इनसाइड होगा, एक पॉइंट आपका सरफेस पर होगा, और एक पॉइंट आपका आउटसाइड होगा। तीन चीजें बेटा। तो यहां पर तुम लिखोगे कि जो ई इन होगा उसका वैल्यू होगा के क्यू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा कैपिटल, है ना। ये यहां पर क्या हो जाता है सर, तो दिस विल बी, अगर हम देखें यहां पर, ये हो जाएगा सर आपका कैपिटल आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर क्या होगा सर, ये वाला यहां से यहां तक का, ठीक है। इनके लिए पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो भारी भरकम फॉर्मूला बनता है, उसको अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख लीजिए। तो वी इन का फॉर्मूला जो है वो बनता बेटा के क्यू डिवाइडेड बाय, आप यहां पर बोलेंगे सर आर, क्या हो जाएगा सर के क्यू डिवाइडेड बाय आर, अंदर की जगह होता है सर 3R² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और नीचे हो जाता है सर यहां पर आपका 2R², ठीक है। नीचे यहां पर हो जाता है सर आपका 2, ठीक है, हाँ नीचे 2R² होगा ताकि ये क्यूब बन जाए, ठीक राइट। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है। इस सरफेस की बात करें सर, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, मुझे नहीं लगता बोर्ड में इतना सब कुछ आपको पूछा जाएगा, बट खैर अगर सामने वाले के दिमाग में ऐसी बात बैठ ही जाए, है ना, तो फिर वो आपसे ऐसा पूछ सकता है। और अगर ई आउट की बात की जाए तो वो हो जाएगा सर आपका के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर वी आउट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, दैट्स इट, खत्म। ये फॉर्मूलाज हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, इसमें और कोई भी सुविधाएं नहीं है बेटा। टेलीग्राम चैनल आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, मेधावी नया जो है बेटा, मेधावी आप लोगों के लिए, मेधावी प्लस जो है वो आ चुका है, प्लस पर 13 नवंबर से शुरू होने वाला है, यानी कि परसों से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्लान नहीं किया है, स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है बेटा, स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, 10% प्लस 10% आपको ऑफ मिल रहा है। तो 10% प्लस 10% ऑफ अगर आप ग्रैब करना चाहते इस अपॉर्चुनिटी को, तो फटाफट से MS लाइव कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन प्लान कर लो, ठीक है। काफी अमेजिंग कोर्सेस आप लोगों को मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे आपकी प्रेपरेशन को। देखो यहां पर प्राइस वीक का ऑफ आपको दिखा देता हूं, कोड आपको लगाना है इस एडिशनल डिस्काउंट के लिए MS लाइव, ठीक है। चलो ओके दोस्तों, तो सिया बाय, टेक केयर। और एक और प्यारी सी चीज है आप लोगों के लिए जो बिल्कुल मत भूलना एनरोल करना अगर अभी तक नहीं किया है, अनअकैडमी रिवाइव। चाहे बोर्ड के एस्पिरेंट हो, चाहे नीट के एस्पिरेंट हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया लेवल पर एक ऐसा एग्जाम हो रहा है जिसमें एनरोल करके आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। कल से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो सुभाष आजाद सर लेने वाले हैं, तो आप उनके साथ पढ़िए, और मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास में पढ़ाता रहूंगा। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक।